नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। कटनी जिले के समीप ग्राम कनवारा में आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न हर तरफ देखने मिल रहा है। इसी कड़ी में ग्राम नागरिक महेंद्र गुड्डू सोनी के प्रयासों से बुधवार को तिरंगा यात्रा ने गाँव में भ्रमण किया। तिरंगा यात्रा में कनवारा के गणमान्य नागरिक, स्कूली छात्र छात्राओं, स्काउट गाइड के अलावा सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। समाजसेवी महेश दत्त चौबे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। कनवारा में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने लोगों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। तिरंगा यात्रा भगवान शंकर जी के मंदिर से प्रारंभ हुई और फिर ग्राम में अनेक मार्गों का भ्रमण करती हुई समापन हुआ। तिरंगा यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता राकेश गुड्डू द्विवेदी ने बताया कि ग्राम में आयोजित हुई तिरंगा यात्रा में बेहद उत्साह नजर आया। तिरंगा यात्रा में शामिल हर कोई हाथों में तिरंगा लिए हुए भारत माता के जयघोष करते चल रहा था। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि पूरे राष्ट्र में मनाया जा रहा है और पूरे देश में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। उसी तारतम्य में हमारे कनवारा नगरवासी में आज के कार्यक्रम के आयोजक प्रमुख रूप से श्री महेंद्र गुड्डू सोनी एवं हमारे सभी कनवारा के ग्राम पंचायत कनवारा के पंच, सरपंच और सभी लोगों ने ये मन बनाया कि पूरे गांव में आज ही 10 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराया जाए, जिसके कार्यक्रम का शुभारंभ ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर शिव मंदिर से हुआ, जिसमें तिरंगा झंडा फहराए गए और क्या कहते हैं राष्ट्रीय गान हमारे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के द्वारा हुआ और आए हुए अतिथिगणों का, जिसमें गुड्डू दुबे शिक्षकगण और कनवारा के सरपंच साहब का सभी का स्वागत हुआ और ये मंदिर का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आज जो हो रहा है तिरंगा झंडा की यात्रा एक का मार्ग पथ संचालन के रूप में मंदिर से शुरू हो रहा है और हम सभी से अनुरोध करेंगे कनवारा नगरवासियों से, सरपंच से, पंचों से, सचिव लोगों से कि इस कनवारा के एक एक घर में तिरंगा फहराया जाए और सभी को। क्या नाम है आपका? महेश दत्त चौबे मेरा नाम है।